दोस्तों, सोशल मीडिया में आपने ये फोटो, ये सर्टिफिकेट बहुत बार देखा होगा जो सेंटर विजिलेंस कमीशन से प्राप्त किया गया है। इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट एक छोटा सा प्रतिज्ञा लेना है। सिर्फ नेता ही प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, आम सिटीजन भी प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम अपना सिटीजनशिप बखूबी ईमानदारी से निभाएंगे, हर रूल्स को फॉलो करेंगे, हर तरह का जो देश हित में काम वो करेंगे। तो यही सर्टिफिकेट हम लोग आज कैसे लिया जाता है वो हम लोग देखेंगे, कहाँ से लिया जाता है और उसमें क्या क्या फिलअप करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट कोई गवर्नमेंटी डिपार्टमेंट में जॉब पाने के लिए आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, ना ही और भी किसी तरह। जस्ट एक छोटा सा सर्टिफिकेट आपको लेना है और लेके आप, हो सकता है फ्रेम करके आप रख दें कि आपने इंटीग्रिटी प्लेज एंड इट्स कमिटेड टू अपलोड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी टू फॉलो प्रोबिटी एंड रूल्स ऑफ लॉ इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। इस तरह सर्टिफिकेट आपको लेना है। तो चलिए, इस तरह का सर्टिफिकेट लेने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, यहाँ पे देखिए आपको वोटर कार्ड को वेरीफाई कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये पहला वीडियो जो आपको दिख रहा है, आप कैसे अपने और अपने परिवार का वोटर कार्ड को वेरीफाई करवाइएगा अगर आप PC से करते हैं तो। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो ये 18 अक्टूबर 2019 ऑनलाइन से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ये दो वीडियो को आप देख लीजिए, अगर मोबाइल से करते हैं या फिर आप डेस्कटॉप से करते हैं, वेरीफाई करवा लीजिए अपने और अपने परिवार का, ठीक है। नहीं तो आपको लाइन लगाकर साइबर कैप में आपको करवाना पड़ेगा या नज़दीकी कोई बूथ में जाके आपको करवाना होगा। तो वीडियो देख के आप कर लीजिए, अभी वक्त है 18 अक्टूबर तक। सर्वर हमेशा लास्ट टाइम में बहुत डाउन रहता है, तो पहले कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट गूगल में आपको यहाँ पर टाइप करना है CVC प्लेज। ये वाला जो पहला लिंक है CVC प्लेज, इसको ऊपर जस्ट आपको टाइप करना है। इसी तरह से आप अपना टाइप कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल से भी आप टाइप कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल क्रोम में जाना है और उसमें आपको लिखना है गूगल क्रोम में CVCPlace.com। तो आपको इसी तरह का एक पेज खुल जाएगा आपको मोबाइल में भी, तो ठीक है। तब यहाँ से देखिए, आप हो सकते हैं एक सिटीजन या हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों ही सूरत में आप ये सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। आपको 3 स्टेप इसमें फुलअप करना है, आपको बेसिक डिटेल डालना है, आपको कुछ भाषा को सेलेक्ट करना है कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कुछ भी, और आप यहाँ से प्लेज जो भी 4-5 तो पॉइंट है उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा गया है किस तरह से आप क्या करना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ करना क्या है। यहाँ पर जस्ट एज ए सिटीजन को ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करते हैं। नाम सेलेक्ट करने से पहले मिस्टर या मिसिस या सिरी कुछ भी लगा सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर सिरी लगा देते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर अपना जन्मतिथि डालना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, राज्य, डिस्ट्रिक्ट और ईमेल आईडी दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए। देखिए जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पे तो आपको करना ही करना है, और जिसमें स्टार नहीं होगा उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी आप नहीं भी दीजिएगा तब भी चलेगा, पिन कोड नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपना नाम लिख देते हैं और पारी पारी से फटाफट इसको भर लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्म तो ये हमने भर लिया है, और यहाँ पे भाषा आपको सेलेक्ट करना है कौन भाषा में, तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम भाषा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बंगाली सेलेक्ट कर लें क्योंकि हम बंगाल में हैं। आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, कोरिया, बंगाली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम रीड प्लेज में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे बंगाली में कुछ आ रहा है। यहाँ पर यही लिखा जा रहा है कि हम सत्यता से अपना नागरिकता निभाएंगे, ये तमाम चीज़ है। आप जो लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये तमाम चीज़ आप पढ़ लीजिए। जब तक आप नहीं पढ़िएगा नीचे में ये बटन आपको एक्टिवेट नहीं होगा। तो पढ़ने के बाद मैंने प्रतिज्ञा ली, इसको ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद वेयर डिड यू, कहाँ से आपको ये वाला जानकारी मिला है, सोशल मीडिया से? तो चलिए हम सोशल मीडिया में देखे थे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा। जस्ट आपको OTP अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे वहाँ पर OTP जाएगा, उस OTP को आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा OTP आया है, तो चलिए हम लोग इसको डाल देते हैं। 24 72 87, ये वाला OTP आ गया है और इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पे हमारा ये सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसको सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, नीचे में आपको एक बार कोड आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है प्रमाण पत्र, सेंड सर्टिफिकेट टू योर मोबाइल, अगर मोबाइल में डालना चाहते हैं तो मोबाइल में डाल लीजिए। सेंड सर्टिफिकेट टू योर ईमेल, या डाउनलोड सर्टिफिकेट, या डाउनलोड प्लेज, तो आप कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड अगर सर्टिफिकेट करते हैं तो हमारा आ जाता है, और डाउनलोड प्लेज अगर हम करते हैं तो हमारा ये प्लेज आ जाएगा, देखिए ये वाला प्लेज, ठीक है। तो जैसे भी करके आप इसको आराम से कर सकते हैं, जो आपको मन करे कर सकते हैं। तो यही छोटा सा एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना था, जिसमें आप इस वेबसाइट में जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं, क्यों काहे ये तमाम चीज़, आपका जो प्रश्न उठता होगा वो आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं भाई, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।